नमस्कार जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बात मेरे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल, जो कि पंजाब की मुख्यमंत्री भी रही हैं। राजेंद्र कौर भट्टल जी, आपका स्वागत है डायरेक्ट विद दिनेश में। थैंक यू जी। सबसे पहला मेरा सवाल, सीधा सवाल, क्या पंजाब में हालात ठीक हैं? सबसे बस्ट सिचुएशन आज पंजाब में है, हर तरह की। मेरी 40 साल की राजनीतिक लाइफ हो गई है, मैंने नहीं देखा कभी इस तरीके की हालात खराब हों पंजाब में जो अब हुए हैं। आई कैन से कि नॉट ओनली ऑन वन फ्रंट, ऑन एवरी फ्रंट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू मेंटेन हमारा अपना जो सोशल सेटअप है उसको कायम रखने में, फ्रंट फाइनेंशियल प्लेटफार्म पे भी ये फेल हुई है, और इवन रिलीजियस प्लेटफार्म पे। जो सबसे दुखदाई बात हमें लग रही है, जब भी अकाली दल की सरकार आती है तो कोई ना कोई धार्मिक ऐसे मामले खड़े होते हैं जिसमें से हमारे धर्मों का निरादर होता है। लेकिन सरकार कह रही है, सरकार जो है विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि जो विपक्ष की तरफ से सियासत की जा रही है। ये बादल साहब की पुरानी आदत है, कोई भी काम जो करें जो गलत होता है तो उसको जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेवार है। मैं पूछना चाहती हूँ, श्रोमणी कमेटी इज टोटली डिवाइडेड, अकाल तख्त जो हमारा सर्वोच्चतम जिसको हम मानते हैं, वहाँ के जथेदारों के खिलाफ हमारे सिखों की जो बगावत, लेकिन क्या उधर कांग्रेस है? क्या उधर जो एसटीपीसी के मेंबर हैं कांग्रेस को टिकटें दी हुई हैं? उनकी टिकटें बादल साहब ने अपनी जेब में से निकाल करके एसटीपीसी के मेंबर बनने के लिए टिकटें दी हैं, और टोटल हमारी कांग्रेस पार्टी तो ज्वाइन ही नहीं करती, इलेक्शन लड़ते ही नहीं हम, तो उसके बीच में हमारा तो पार्टी नहीं कोई है। आज श्रोमणी कमेटी और अकाल तख्त के बीच में से जो लोग नाराज़ होकर इनके अपने अकाली दल वाले वो रिज़ाइन दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इनको गालियां निकाल रहे हैं, तो उस तरीके से कांग्रेस तो वहाँ है ही नहीं। किस तरीके से जो कांग्रेस को जिम्मे बांटा रहते हैं? ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनके अकाली दल की और बीजेपी की है, ना हम सरकार में हैं, ना हम इनकी जो रिलीजियस बॉडी है उनमें हम मेंबर हैं, तो हमें किस तरीके से ये दोषी ठहराते हैं? सियासत करने का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए, राजनीतिक लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी एक रिलीजियस पार्टी तो नहीं है, हमारी सेकुलर पार्टी है, लेकिन हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। ये हम आंखें बंद करके मूंद करके कैसे बैठे रहें कि हमारे धर्म के मामले में इतना निरादर हो? गुरु ग्रंथ साहब जी, जिनको गुरु साहब ने कहा गुरु मान्यो ग्रंथ, उस गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग ऐसे फेंके जाएं तो पंजाब सरकार सो रही है क्या? इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये तो कहते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि ये सब चीज़ों का कारण जो मैंने पहले कहा कि हर बार जब इनकी सरकार आती है तब धार्मिक मसले खड़े होते हैं, जब से पहले भी हुआ था, निरंकारियों के साथ हुआ, फिर सरसा वालों के साथ लास्ट इलेक्शन में हुआ, अब फिर ये मामले आए हैं। ये अकाली दल के समय में इसलिए आते हैं कि अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो कहती है हमारा धर्म और सियासत दोनों इकट्ठे हैं। धर्म और सियासत इकट्ठे होने के कारण ये मुद्दे, ये सिचुएशन, ये हालात हमेशा अकाली दल के समय में आते हैं। वाई? बिकॉज अकाली दल ऐसे नहीं कि धर्म के मुताबिक सियासत को चलाए, ये सियासत के मुताबिक धर्म को चला रहा है। अकाली दल का प्रधान जहाँ पंजाब का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जे भी अकाली दल के थे, ये टिकटें देते हैं, ये अनाउंसमेंट करते हैं, ये मेंबरशिप बनाते हैं, चाहे अकाल तख्त के ऊपर कोई उन्होंने बनाना हो, किसी को एसजीपीसी में बनाना हो, श्रोमणी कमेटी का प्रेसिडेंट बनाना हो। आपके ऊपर सियासत का आरोप लगता है, और जो पूरा मसला सरकार कह रही है, पंजाब सरकार कह रही है कि ये इसमें पूरी विदेशी ताकतें जो हैं उनका हाथ है। ये सब बातें अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली कर रहे हैं। हम आंखें बंद करके तो बैठ नहीं सकते, हमारी ड्यूटी बनती है। हम भी इस रिलीजन के हम मानते हैं, हमें बड़ा सम्मान करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब तो सभी धर्मों का सम्मान है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब में कृष्ण जी की वाणी, कृष्ण जी का नाम, भगवान राम जी का नाम, फकीर जी का नाम, फरीद जी का नाम, कबीर जी का नाम जी। और कितने पांच गुरुओं की वाणी, ये सभी का सम्मानित हमारा धर्म है जी। तो उसके ऊपर इतना कुछ हो जाए तो हम चुप करके बैठे रहे? हम जो सरकार को हलूना ना दे कि आप क्या कर रहे हो, आपके होते जी बेअदबी क्यों हो रही है? भट्टल जी, लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है, आपको लगता है कि जांच सही दिशा में आगे जा रही है? देखिए, जो तो ये कह रहे हैं कि कभी तो कहते हैं कांग्रेस का हाथ है, कभी कहते हैं विदेशी ताकतों का हाथ है, एक्चुअल में हाथ इन सरकार का ही है। जो मामले इन्होंने सोचे थे, इनकी बाजी पुट्ठी पड़ गई जी। जिस तरीके से इन्होंने पहले वो माफीनामे की बात की, उसमें से हमारी सिख जथेबंदियों ने उनको नहीं स्वीकार था, उसको छिपाने के लिए फिर और गड़बड़ हुई, फिर और गड़बड़ हुई। ये सब बातें, इसमें सरकार का पूरी तरह से हाथ है, अकाली दल पार्टी का पूरा हाथ है, इनके कारण ही ये सब कुछ ऐसी सिचुएशन हुई। अब इनके हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा था, अब बैक इन्होंने गेट डाल दिया,
अभी फटाफट किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, किसी को बदल दिया, किसी को कुछ कर दिया। अभी हाल ही में डीजीपी को बदला गया, तबादला किया, हटाया गया, तो आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो है उनका दोष था, उनको हटाया गया? मैं यही समझती हूँ कि डीजीपी को हटाने से बात का मकसद नहीं होता, वो तो बलि का बकरा बना दिया जी। लेकिन एक्चुअल में होम मिनिस्टर इज फेलियर, टोटली फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर। सुखबीर सिंह बादल को अगर थोड़ी बहुत ग्रेस होती, अकाली दल का प्रेजिडेंट है, थोड़ा बहुत ये मानते, अगर सत्कार होता धर्म का, पहले दिन ही कह देते कि मैं होम मिनिस्टर फेल हुआ, मैं छोड़ता हूँ। इन्होंने अपना छोड़ना नहीं, किसी और ना और अफसर के ऊपर अपनी गलतियों का भांडा और के ऊपर तोड़ करके ये चाहते हैं कि हम बरी हो जाएं, चीची पे खून लगा कर शहीद बनना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि असल दोषी ये पंजाब की सरकार है, इनका राजनीति को प्रशासनिक तौर पर इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया, इन्होंने रिलीजन को राजनीतिकरण कर दिया। ये जो राजनीतिकरण इन्होंने किया हुआ है, वो ही सियासत की एक कड़ी है, जिससे जिस सियासी रोटियां सेकना चाहते थे, इस हालात को अपना करके इस सिचुएशन से निकलना चाहते थे, एक सिचुएशन से दूसरी से फंस गए, तीसरी से निकलना चाहते चौथी में फंस गए हैं। पहले जो है सूरत सिंह खालसा वाला मामला, उसके बाद किसानों का मसला, किसानों का विरोध, और अब जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला है, पंजाब सरकार की कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ रही हैं, आपको लगता है? आज मुझे आप बताएं कौन सा सेक्शन है जो सेटिस्फाई है सरकार से। मैं मानती हूँ कि 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लेकिन पूरी की पूरी जथेबंदियाँ आज किस तरीके से किसान यूनियंस की जितनी जथेबंदियाँ हैं सारी की सारी धरने पे बैठी हैं, और जो ऐसे नहीं कि सिर्फ ड्रामा करने के लिए बैठी हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं, कौन मरना चाहता है? हमारी फसलें, आलू की फसल हो, कणक की फसल हो, चावल की फसल हो, जो भी जितनी हमारी है, कपास की फसल हो, इन सब के ऊपर किसान बिल्कुल मारा गया, बर्बाद हो गया। आज भूखे किसान कोई मर रहे हैं, कोई सड़कों के ऊपर बैठकर इनकी जान को रो रहे हैं। जिस सरकार ने उसके उस तरफ भी एक डायरेक्टर को सस्पेंड किया था, मैं समझती हूँ क्या वो डायरेक्टर लेवल की बात थी, उसमें जो बात ऊपर तक नहीं आती, अपने आप को सेफ रखकर नीचे बली के बकरे अफसरों को बनाते हैं। आज वो किसान जथेबंदियां सड़कों पे हैं, आज मुलाजिम जथेबंदियां सड़कों पे हैं। आपने कहा कि एक डायरेक्टर को हटाया गया, आपको लगता है कि जो पेस्टिसाइड स्कैम था, आप मुझे लगता है उसका जिक्र कर रही थी, कहीं ना कहीं जो उसकी जाँच की, जो एक तरह से आँच की बात की जाए, जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ नहीं पहुँची? मैं वही समझती हूँ कि ये चाहते नहीं कि उसकी प्रॉपर जाँच होए, क्योंकि उसमें ये फंसते हैं, खुद फंसते हैं। हम तो कहते थे सिटिंग जज से करवाइए, क्यों नहीं कराते? एक सस्पेंशन चाहे किसी का कर देना, जब बदली कर देना, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और सिटिंग जज से क्यों नहीं करवाते जे अगर इनका हाथ नहीं है, क्योंकि इनकी मूली भुगत है, और जो कुछ डॉक्टर ने कहा भी था वो उनका आया था सारा कुछ, बार पेपरों में भी आया था, उन्होंने सीधी उंगल ऊपर वालों के ऊपर की है, तो क्यों नहीं ये कराते जाँच जी? आपको क्या लगता है किसका हाथ है, कौन जिम्मेवार है पेस्टिसाइड्स? पूरी पूरी सर, जो मैं तो सरकार के जो मुखिया हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन से किस बादल साहब का नाम लूं मैं, लेकिन आज प्रकाश सिंह बादल की सरकार है जी, सुखबीर सिंह बादल की सरकार है। जब हम समझते हैं कि हमारा नीचे काली वाला जो वर्कर है छोटा, वो भी परेशान है जिनसे हुआ, अकाली दल वाले छोड़ कर आ रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, ये सिंगल हैंडेडली सारी सरकार चला रहे हैं, उसमें जो कुछ हो रही है, किस लेवल पे हो रहा है, कौन कर रहा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बच नहीं सकते, जिम्मेवारी इनके ऊपर आएगी। कांग्रेस कैसे रोल, क्या रोल और कैसे रोल अदा कर सकती है जो सिचुएशन पंजाब में है, वो स्थिति जो है वो सुधरे, हालात सामान्य हो? देखिए, वी आर फुली कंसर्न्ड। पंजाब की सिचुएशन हमने पहले भी देखी है जो बदतर हो गई थी जी। इतने सालों तक, 10-12 साल तक जहाँ अतवाद रहा, सब जे पार्टियां, अकाली दल हो या कोई भी हो, दौड़ गए थे जी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीडर बेअंत सिंह जी जहाँ और सारे बहुत सारे लीडर हैं, कुर्बानियाँ की, जान से हाथ धोने पड़े, इतने परिवार मरे हमारे, 32,000 लोग हमारे मरे जी। हमने अमन शांति लेकर आए थे। आज हमें फिर दर्द है कि कहीं ऐसी सिचुएशन का कोई भी फायदा और कोई नेगेटिव या हमारी कोई भी ऐसी लोग ना ले जाए जिसमें सिचुएशन को फिर खतरे के बदल मंडला करके उस सिचुएशन का सामना करना पड़े। हम लोगों को अपील ये भी करते हैं कि भाईचारा कायम रखिए। अगर हम किसाने वाले हों, हम क्यों कहें? हम सबको कहते हैं कि भाईचारा कायम रखिए, देखिए सबका मामला है। सरकार को बार बार कहते हैं कि इंक्वायरी कराओ, इंसाफ दो, जो नजायज लोग पकड़े उनको छोड़ो, जो हमारे रिलीजियस हेड्स। आपको लगता है कि इससे जो पंजाब में जो स्थिति है वो सामान्य होगी? अभी तक तो कोई सिचुएशन नजर आती नहीं हमें। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने, जो प्रचारक थे, उन्होंने रखा था धरना, चाहते थे चीफ मिनिस्टर के घर पे आना, उनके साथ इनके एक दो नुमाइंदे मिनिस्टर बैठे थे, बट वो रीजन जो हमारी जथेबंदियां, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। जो उनकी डिमांड्स हैं वो सुनी क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं सुखबीर बादल गए उधर? क्यों नहीं प्रकाश सिंह बादल गए?
जब ये पंजाब भर में संगत का दर्शन करते फिरते हैं, लोगों जत्थेदारों को पैसा बांटते फिरते हैं, तो आज नहीं इनका फर्ज बनता तो था। आप कह रहे हैं कि सही से सुनवाई नहीं हो रही है उनकी? बिल्कुल नहीं हो रही। और इस जो जिस तरीके से बैठी थी जथेबंदियां सब, मैं समझती हूँ कि प्रकाश सिंह बादल को चाहिए था कि मैं पंजाब के संगत दर्शन करता हूँ, लेकिन मैं आज अपनी संगत के पास चला हूँ, जो संगत मुझे कहेगी मैं सुनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं फैसला करूंगा। अगर इनका थोड़ा सा भी श्रद्धा होती धर्म के लिए, अगर ये सियासी रोटियां ना सेकते होते, अगर ये धर्म के मुताबिक सियासत के मुताबिक धर्म को ना चला रहे होते तो ये खुद जाते। इसलिए इन्होंने जाना वाजिब नहीं समझा, अपने दो जूनियर लोग भेज दिए, वो उनमें से जथेबंदियां सेटिस्फाई नहीं हुई, वो बात वहाँ की बात। पटेल जी, पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है? देखिए, पंजाब कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और सेकुलर पार्टी है। तो आज हम मानते हैं कि अभी जो क्या सराइयाँ चल रही हैं थोड़ी हमारी पंजाब की स्टेट की लीडरशिप के बारे में, इसके बारे में द मैटर इज अंडर कंसीडरेशन नहीं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आपका अध्यक्ष कौन है। कभी कहते हैं कि प्रताप सिंह बाजवा जी हटने वाले हैं, कैप्टन अमरिंदर को कमान दी जाने वाली है। देखिए, जो होने वाला है वो तो जब होगा उसके सामने बात आ जाएगा, लेकिन आज जितनी देर तक नया फैसला नहीं बना तो हमारा ऑलरेडी प्रेजिडेंट जो सोनिया जी ने बनाया, प्रताप सिंह बाजवा कंटिन्यू कर रहा है अभी। अब जो मैटर, जैसे मैंने पहले कहा कि हाईकमांड के विचाराधीन है, आई थिंक कि जल्दी इसके बारे में कोई ना कोई फैसला लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में और लोगों में एक कन्फ्यूजन है? नहीं, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत जो हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, जहाँ रहते हैं, बड़ी पार्टी है हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारा जैसे दूसरी पार्टियों में, आप वाली पार्टी देख रहे हो, अकाली दल देख रहे हो, इनके अंदर कितनी बगावत है, कितनी बीजेपी और अकाली दल के अंदर लड़ाई है हमारी। लेकिन आपकी पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा क्या? कांग्रेस को नुकसान नहीं? नहीं, मैं समझती हूँ कि जब यूनाइटेड फेस सामने आएगा, अब तीन चार लीडर हमारे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पुराने प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आज प्रताप सिंह बाजवा चला रहा है, मैं रही हूँ, और भी सारे लीडर हैं, छोटे वर्कर से लेकर बड़े तक हम सब समझते हैं कि हम आज सिचुएशन जो पंजाब की बनी हुई है, आज जिस तरीके से पंजाब के सारे सेक्शनों के लोग परेशान हैं, और जो लोग आज तवक्को लगाए बैठे हैं कि प्रशासनिक तौर पे ओनली कांग्रेस कैन डू बेटर फॉर देम, आज इन सब लोगों की हमारी तरफ बल है, इशारा है कि कांग्रेस आए आगे लाना चाहते हैं। तो लेकिन एक जो सोच रहे हैं कि जो फैसला होने वाला है जल्दी हो, हम सब मिलकर कहकर आए हैं, हमें लगता है कि बड़ी जल्दी सारे लीडर इकट्ठे होकर के, सब ने हमने बार बार कहा है, हम पूरे एकजुट होकर हमारी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़ी जल्दी पंजाब में नजर आएंगे। क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई विकल्प है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ग्रुप, बाजवा ग्रुप या भट्टल ग्रुप से बाहर बाहर निकलकर एक ये कहा जाए कि सबको साथ लेकर चलने वाला नेता, ऐसा कोई नेता है क्या? नहीं, मैं वही कहती हूँ कि अब हम सब बोलकर आए हैं कि कोई ग्रुप नहीं, ना भट्टल ग्रुप है, ना कैप्टन ग्रुप है, ना बाजवा ग्रुप है, देयर इज ओनली कांग्रेस ग्रुप, सोनिया गांधी ग्रुप, राहुल गांधी जी ग्रुप। हम सब उनको अपना फ्री हैंड ये के दे करके, आप फ्रीली आप फैसला करो, जो भी फैसला करो करेंगे। Who will lead that group? ये तो हाईकमांड का, दिस इज अ हाईकमांड्स प्रेरोगेटिव, किसको उसने बागडोर संभालनी है, कब संभालनी है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि इसको और डिले मत करो। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि वो सबसे सही है, उनको कमान दे देनी चाहिए। हर एक आदमी अपने अपने लिए कहने का हक रखता है, क्यों ना कहें, वो भी कहें, उन्होंने भी स्टेट चलाई है और वो उनका उनका कहना हक है, हर कोई आदमी कह सकता है। क्या आप भी इस दौड़ में हैं? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ कि मैं प्रेसिडेंटशिप की दौड़ में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा आज सर्वप्रवानित, सबको प्रवानित जो हो, एक ऐसा लीडर आ जाए जो आज की सिचुएशन में पंजाब को निकाल कर कांग्रेसी वर्करों की मुसीबतें जो डे बाई डे बढ़ती गई हैं, 8.5 साल हो गए हैं, इसमें से अकाली दल की सरकार से कब छुटकारा दिलाकर। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा लीडर आ जाए, तो बाजवा जी ऐसे लीडर नहीं है? नहीं, मेरा मतलब कि टनियोर होती है, शायद बाजवा जी की जो टनियोर थी कितने समय के लिए, जो तो वो जानते हैं, जो बातें चल रही हैं, जो अभी अंडर कंसीडरेशन, जैसे मैंने कहा, जैसे हमको सुना भी गया, हम अपनी राय भी देकर आए, ये डिमांड्स आई थी कि तब्दीली होने जा रही है, जब जी डिमांड्स आई हैं हाईकमांड की तरफ से भी आई हैं, हमारे जो शकील जी हैं, एम शकील जी, उन्होंने भी कहा था फैसला होने वाला है, तो ये होने वाला है, इसका मतलब कि नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए, नई पीसीज बनाने के लिए सोच रही है हमारी कवायद चल रही है, आप कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा में से कौन पहले आप कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अध्यक्ष रहे हैं, दोनों में से कौन सही और ये कहा जाए कि अध्यक्ष, अच्छा अध्यक्ष कांग्रेस के लिए रह सकता है? ये तो हमेशा हम तो समझते सभी अच्छे हैं अपने अपने काम पे, सभी ने अच्छा काम किया है,
लेकिन ये नहीं होता कि कोई अच्छा नहीं है इस करके बदला जा रहा है, कोई ज्यादा अच्छा उसको इसलिए लाया जा रहा है। जैसे हाईकमांड का मैंने कहा उन्होंने देखना है कि अब इस सिचुएशन में कौन से लीडर से कहाँ से का काम लेना है, इधर कौन सा काम लेना है, उधर कौन सा काम लेना है, इसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। जिसको भी लगाएंगे हम समझते हैं कि हम पंजाब की सिचुएशन के साथ लड़ चुके हैं, बस सिचुएशन के साथ कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी और सफल हुए थे हम। आज भी जो हम अकाली दल का अतवाद है, जो पहले तो दूसरा अतवाद था टेररिज्म था, उसको हमने खत्म किया। आज अकाली दल का टेररिज्म, जिसको लूटने और पीटने वाली सरकार मानते हैं, आज इसके साथ हमारी लड़ाई है। ये सुनने में आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है हाईकमांड को कि उनको सिंगल हैंड कमांड दिया जाए, कि उन्होंने क्या कहा है ये तो वही जानते हैं जहाँ हाईकमांड जानती है, मैं तो उसके बीच में नहीं थी। लेकिन कुछ भी अपने विचार हाईकमांड के पास रखने का हर एक को हक है। कैप्टन साहब अपने विचार रख सकते हैं, कोई और लीडर है वो अपना विचार रख सकता है, हाईकमांड सबके विचार लेती है, उसके बाद जो फैसला करना है वो हाईकमांड ने करना है। आपकी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीधी लड़ाई रही है, अगर पहले की बात करें जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी आप एक बार विरोध के लिए सीधा हाईकमांड के पास चले गई थी, तो अभी अगर इस उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या आप उनका साथ देंगी? मेरी जैसे आप कहते हो हमारा रिश्ता भी ऐसा है जिसमें लड़ाई होती है, बहन और भाई, कौन सा बहन और भाई है जिसकी सही लफ्जों में लड़ाई कभी ना हुई हो जी। हमारा इस तरीके का रिश्ता भी रहा है जी, नज़दीक भी रहे हैं, आज भी नज़दीक हैं हम जी। हाँ, हमारे डिफरेंसेस होते हैं, मेरे भी ओपिनियंस डिफरेंट थी, उनकी डिफरेंट थी, फंक्शन कम करने का स्टाइल उनका डिफरेंट था, मेरा उनका डिफरेंट था जी। वो अपने जैसे रॉयल एरिया ख्यालों में से हैं, मैं एक जिम्मेदार की लड़की गाँव से उठकर आई हूँ, इसलिए हमारे काम करने के तरीकों में से बहुत बार हमारे डिफरेंसेस हुए हैं। डिफरेंसेस होने का मतलब ये नहीं कि हमारी कोई लड़ाई है जी। ओपिनियंस के डिफरेंसेस एक परिवार में भी होते हैं, घर में भी होते हैं। जिम्मेदार की लड़की आपने कहा कि आप बेटी हैं, तो जिम्मेदार की बेटी ये कमान क्यों नहीं लेना चाहती अपने? नहीं, मैंने पहले भी कहा, जब मुझे बनाया गया मैंने कभी अपने लिए मांगा नहीं कुछ, मैंने टोटली अपनी सर्विसेज हाईकमांड के ऊपर छोड़ी हैं कि उनकी डिस्पोजल के ऊपर मेरी हाईकमांड के ऊपर हैं। जब पिछली दफ़ा मुझे बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, सीएम बनाया गया था इन 1996, तो उस वक्त भी 3 महीने रह गए थे, पार्टी बहुत क्राइसिस में थी, हमारे लोग छोड़कर भाग रहे थे जी। तो उस सिचुएशन में मुझे वो जो किश्ती से उसका चप्पू पकड़ाया गया जी। जब बहुत सारे लोग नहीं कहते थे हम नहीं संभाल पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन मैं मैदान में आई थी, बेशक 3 महीने के लिए मुझे मिला। फिर जब 2007 के बाद अकाली दल की सरकार आई, उस वक्त भी हमारी पार्टी का प्रदेश में, क्योंकि सरकार इतनी रिवेंजफुल तरीके से आई थी, संभालने के लिए हर कोई थोड़ा कतरा रहा था, मुझे पार्टी ने इशारा किया कि मुश्किल का समय आ पाए आगे, तो मैं प्रेसिडेंट बनी। फिर मुझे CLP का लीडर बनाया गया, मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने मांगा ही नहीं था, मैं TV पे देख रही थी, मुझे बना दिया। मैं क्या हूँ, मेरे परिवार की कितनी कंट्रीब्यूशन है सेकंड जनरेशन के तौर पे, थर्ड। बट्टल जी, 2017 से जो विधानसभा चुनाव होंगे, कितनी उम्मीद है कांग्रेस को पंजाब से? मैं कहती हूँ कि स्वीप होगा इस दफा, जो हमारी विरोधी पार्टीज हैं जी, जिस जैसे आप अकाली दल देख रहे हो, अकाली दल के लोग आज घरों से लीडर हों, मिनिस्टर हों, ये पब्लिक में जाने की हिम्मत नहीं करते, इनको पब्लिक देखने के लिए तैयार नहीं है, इनको स्टेजें छोड़कर जानी पड़ती है, इनको अपने फंक्शन कैंसिल करने पड़ते हैं, अपनी जुत्तियाँ छोड़कर भाग रहे हैं जहाँ कहीं गुरुद्वारे में भी होते हैं, तो ये तो धर्म के और पंजाब के भगौड़े माने गए हैं। मुकाबला आपको लगता है त्रिकोणिया होगा या फिर चौतरफा होगा? मैं समझती हूँ अकाली दल तो मैदान में नहीं है, हमारा जो मुकाबला हम समझते हैं सीधा। किससे मुकाबला होगा? मुकाबला है ही नहीं, जो पहले थोड़ा बहुत था कि आपके साथ हमारा मुकाबला होगा जी। जो जिस तरीके से आप वाली पार्टी में ओनली ये मान जो एक जिसको बोलते हैं वो थोड़ा बहुत कॉमेडियन था, हमारी यंग पीढ़ी को अट्रैक्ट करता था, उस तरीके से अपनी बातें सुना जाता था, इम्प्रेशन बना जाता था। बट ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है गांव गांव में, घर घर में घर कर रही है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार 2 बार बनी, पहले बनी केजरीवाल जी ने कहकर छोड़ दी कि मेरे पास पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है जी। दिस टाइम हमारी कांग्रेस ने उस वक्त सपोर्ट की थी, इस टाइम उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है जी। आप भी वो छोड़कर भाग रहे हैं, आज दिल्ली के लोगों के साथ कीते वादों से वो मुकर रहे हैं, ये सारा पंजाब जानता है, हम पंजाब वाले दिल्ली से नज़दीक हैं। तो आज किस तरीके से छोटे लोग जो फोर्थ क्लास हों, क्लास 3 के हों, कुछ और हों, लेकिन दिल्ली में तो उन्होंने सफाया कर दिया था, कांग्रेस का सफाया किया, बीजेपी
उसका वहाँ पर सफाया हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्य दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, संयोजक है अरविंद केजरीवाल, जब वो पंजाब आएंगे तो कांग्रेस के ना सिर्फ अकाली दल सरकार के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि उस वक्त लोगों ने इसलिए सफाया हमारा, जैसे आप कह रहे हो कि बीजेपी का किया, हमारा किया, कि इसको केजरीवाल को बहुत अच्छी मेजोरिटी दी। उस वक्त केजरीवाल के हाथ नहीं देखे थे उन्होंने, केजरीवाल का रूप नहीं देखा था, सही रूप क्या है, उनकी बातों पर भरोसा करके उन्होंने उनको मेजोरिटी दी कि जो बात केजरीवाल कह रहा है मेरे पास मेजोरिटी नहीं, इसको ऐसी मेजोरिटी दो के काम कर पाए। लेकिन आप उसकी फेलियर देख चुके हैं, केजरीवाल की फेलियर, जिसकी रिफ्लेक्शन हरियाणा पंजाब के ऊपर इमीडिएटली पड़ती है, दिल्ली में तो हाई है, तो उधर हाहाकार मची है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। केजरीवाल जी जैसे आप पंजाब आए थे, मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी को कि हरियाणा उनकी अपनी स्टेट है, दो बच्चे जिंदा जल गए, घर में जला दिए गए, क्या केजरीवाल जी का फर्ज नहीं बनता था को अपनी होम स्टेट में जाते, उन बच्चों जो जिनको जलाया गया, जिंदे जलाया गया घरों में, उनकी मदद करते, उनकी सार लेते, उनके पास जा करके कुछ ना कुछ तो करते अपनी तरफ से। उनकी अपनी स्टेट थी, होम स्टेट थी, वो ना तो वो अपनी होम स्टेट में कुछ कर पाए, ना वो जहाँ उनका राज है दिल्ली में वहाँ कुछ कर पाए हैं। तो आप पंजाब के लोगों ने केजरीवाल का राज, तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था वो केंद्र का जिम्मा है, पुलिस उनके पास नहीं है। देखिए, प्रकाश सिंह बादल और केजरीवाल बड़े छोटे भाई हैं, अपनी फेलियर को अपने सर पे लेने के बजाय ये उसके कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हैं। अब जनता बहाने नहीं सुनेगी, जनता बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, सब जानते हैं कि दे आर फेलियर, और सिर्फ वो भगवंत मान के सिरे से कर रहे थे कि पंजाब में शायद हम आ पाए। अब जो भगवंत मान का भी रूप देख लिया असली लोगों ने, अब उसको बेचारे को वो कहाँ लोगों को फेस करता है, जिस सिचुएशन से उसके साथ उसने किया और लोगों की नाराज किया, पुतले फूंक रहे हैं आज, अकाली दल के पुतले फूंक रहे हैं और आम आदमी के पार्टी के जो मुख्य लीडर था उसके पुतले फूंक रहे हैं। तो केजरीवाल तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, किधर आ पाए वो। जी भट्टल जी, पिछला एक साल का कार्यकाल अगर केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप उसको कैसे देखते हैं, कैसा रहा? टोटली मैं समझती हूँ कि फेलियर है, और देश के लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने, हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान की समस्या सुलझाने के लिए उसको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया था। मैं पूछती हूँ कि उसका एक साल के एजेंडे में बताएं क्या पूरा किया, एक साल में क्या वादे पूरे किए? वो कहते हैं कि देश का मान विदेश में बढ़ा, और दूसरा करप्शन भ्रष्टाचार जो यूपीए 2 की सरकार में हुआ उसको उन्होंने खत्म किया। कहाँ करप्शन किया, कहाँ खत्म किया? अभी तो साल एक ही हुआ है, अभी मोदी जी जब ठहरेंगे देश में तो पता होगा कहाँ है, कहाँ गया काला धन। ये बात करते थे काला धन लेकर आऊंगा, 15-15 लाख लोगों को दूंगा, दे दिया क्या एक साल में? जी, बल्कि हमारा जो व्हाइट धन था वो भी विदेशों में। SIT बनाई, SIT जैसी सरकार आई, पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें SIT बनाई जो कि इसकी जांच कर रही है। मुझे इन बातों के ऊपर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोदी जी अपने एजेंडे के ऊपर हर जगह पे फेल हुए हैं। विदेशों की सैर जरूर उन्होंने 15 लाख जो लोगों को देने थे उसका सूट डालकर विदेशों की सैर कर रहे हैं, आधी दुनिया में जाए हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, ब्लैक मनी लाकर देने की बजाय व्हाइट मनी किस तरीके से जाकर बाहर ले दो मुल्कों को बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वादे हैं, वादे पूरे नहीं हुए। बिल्कुल पूरा नहीं किया। भट्टल जी, सियासत से हटकर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आप पूरे पंजाब में घूमती रहती हैं, क्या अपने परिवार के लिए आपको वक्त मिल पाता है? आपके क्या शौक है, क्या मूवीज या आपको स्पोर्ट्स में कुछ शौक है, रुचि है? हाँ, शौक जो कहते हैं कि राजनीति में आई थी मैं, मेरे पिताजी ने मुझे चुना था, इंदिरा गांधी जी ने 25% देने के कारण यानी जी को कहकर मुझे चुना था, ले आए थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई शौक नहीं था, बिल्कुल मैं लायक नहीं करती थी। मेरा शौक जो आप कहते हो कि मैं थोड़ा जैसे कहते हैं इमोशनल ख्यालों की औरत हूँ, गरीबों की मदद करना और राम से पोएम्स लिखनी, देखनी, पढ़नी, और इस बातों के जैसे नावल्स में पढ़ती थी, देखती थी उस वक्त में, तो ये बात क्या अभी भी कविताएं लिखती हैं, पोएम्स लिखती हैं? मैंने अपनी लाइफ जिस वक्त से मेरी लाइफ, पहले तो नहीं लिखी थी, पढ़ती थी, सुनती थी, ना ही मुझे कविता का अर्थ मालूम था जी। लेकिन उसके बाद जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में आई उस वक्त ही मेरे साथ ट्रेजडी होने शुरू लगी। मैंने फिर अपनी ट्रेजडी को कलम बंद किया, जिसको आप कविता कह लें या गीत कह लें या कुछ भी कह लें, डायरी कह लें, वो मैंने कलम बंद किए हैं। मेरे हर इंसिडेंट के ऊपर कुछ ना कुछ हर बार लिखा हुआ है। हाल ही में कोई कुछ लिखा हो आपने, हाल ही में कोई कविता लिखी हो? अभी नहीं कुछ लिखा, अभी लिखने जा रही हूँ, पंजाब की तकदीर के ऊपर कुछ लिखूंगी, लेकिन अभी नहीं कुछ लिखा, वो पुराना लिखा हुआ है। जी भट्टल जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल, इनसे हमारी बातचीत आपको कैसे लगी? आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया, नमस्कार।